ये दरवाजा भी लॉक है यार। कितने जालिम लोग हैं, घंटे से घंटियां बजा रहे हैं पर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हाँ यार, इतना भारी सूटकेस घसीट घसीट के मेरी तो कमर रह गई है। हाँ, 70 के बाद यही होता है इश्फाक। 70? अरे क्या बातें कर रही हो तुम। अरे इस साल अभी मुश्किल से 50 का हुआ होगा। वैसे पिछले 50 साल से ना आप 50 साल की हैं यार। बस कर दे यार आप लोग। नबील, तुम्हें यकीन है कि जोजी आंटी और मुस्तकीम साहब ने यही घर खरीदा है? हाँ जानू, मैंने छुपके से उनका कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, यही एड्रेस था। मुझे लगता अंदर छुपके बैठे हुए तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलना चाह रहे। अगर इन्होंने हमें यहाँ रहने नहीं ना दिया तो मैंने फिर पार्क में जाके भीख नहीं मांगनी है, समझे मसूर? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो, अभी हमारा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है यार, हमने एडवांस कराया दिया हुआ इन्हें। बिल्कुल, बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग घर बेचकर रातों रात भागे क्यों? क्या पता इनके पीछे गब्बर लगा हो। कौन गब्बर? हमारे पड़ोस वाले बेग साहब है ना, उनका डॉगी। और नहीं मेरी भोली माँ, ये लोग बड़े ही शातिर लोग हैं, लेकिन इस बार इनको ये नहीं पता कि इनका पाला किस कदर मक्कार और घटिया किस्म के महमूद साहब से पड़ा। ओ भाई, आपस में मत लड़े और ये सोचे कि अंदर कैसे जाएंगे, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। यार आप लोग यहीं खड़े हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, चेक करता हूँ कोई दरवाजा कोई खिड़की खुली है तो वहां से आते हैं। मैं बुलाता हूँ आपको। जाओ 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 जाओ। अरे जोजी बेगम, चाय हाजिर है। ले आ मुस्तकीम, खाली चाय ले आए हैं। कुछ था ही नहीं वहाँ। अच्छा एक बात है, वैसे इस घर में सब कुछ बदला बदला सा है सिवाय हम दोनों के। मतबल जी, कहने का मकसद ये है कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय बनाती और हम इत्मीनान से यहाँ सोफे पर बैठकर पी रहे होते। हाँ जी, मैं चाय जरूर बनाती पर अन्ना को सारा मोरा भी डाल देती बीच में। अरे जोजी बेगम, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे ही हम अफसानवी बातें करते रहते हैं, आप दिल पे मत लिया कीजिए। जी आपको जोजी बेगम पता है, पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल बेल बजा रहा है और यकीनन ये वही लोग हैं। खबरदार खबरदार, जो बुआ खोला आप ही बेलें बजा बजा के तंग आके थक के वापस टूट जाए। वैसे बेगम एक बात है, जितने भी 2 नंबर लोग हों मगर इस बार वो बिल्कुल सही थे। अब देखिए ना, अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था कोई 6-8 महीने का बाकी। खबरदार मुस्तकीम खबरदार, इस नए घर में उन लोगों की शक्लें मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप ही घंटियां मार मार के दफा हो जाएंगे, छोड़ दो। वैसे जोजी बेगम, बड़ी उजलत में घर भेजा आपने और वो भी सामान के साथ, बस ये 2-4 जोड़े बच गए, अगर ये भी चले जाते तो फिर हम क्या कर रहे होते। वो जल्दी तो करनी थी ना मुस्तकीम, इतनी अच्छी कीमत मिल गई मुझे उस कार की, और ये कार तो समझो कौड़ियों के दाम मिल गया मुझे। इस कार के मालिक को सवेरे सवेरे निकलना था मुल्क से बाहर, इसीलिए रातों रात डील कर ली जोजी ने। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस घर में कंजूसी नहीं होगी, खुल्लम खुल्ला खाएंगे हम। कोई नहीं, पहले की तरह ही 2 दिन दाल हफ्ते में और 2 दिन मुर्गी। ओए 2 दिन मुर्गी शुर्गी नहीं, आस पड़ोस में चले जाएंगे वरना फिर फाका करेंगे। अभी तो आप फरमा रही थी कि निहायत मुनासिब कीमत पर ये घर मिल गया। हाँ मिल तो गया पर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया मैंने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कार कैसे चलेगा। लो भी इसका मतलब ये हुआ कि इस नए इलाके में भी हमें घर घर जाके मांगना होगा। हाँ जी, जैसे ये कटिया लोग यहाँ से जाते हैं ना, जरा आस पड़ोस में सलाम दुआ करो ताकि मांगने मूंगने में आसानी हो। जी जी समझ गए। पता नहीं कहाँ चला गया नबील, इससे तो बेहतर था मैं पापा के घर ही चली जाती। हाँ मेरी पुत्र, आ चल तेरे पापा के पास चलते हैं। हाँ ना वहीं चलते हैं यार, खाम खामे यहाँ आए। एक्सक्यूज मी, मैं जाऊंगी, आप लोग कहाँ जाएंगे? तेरे पापा के पास पुत्र। मैं वहाँ अकेले जाऊंगी माँ जी, मेरे पापा थक गए हैं आप लोगों का बोझ उठा उठा कर। मैं डाइटिंग कर करके पतली हो गई हूँ, 25 किलो कम हो गया वजन मेरा, अब तो आराम से उठा लेंगे मुझे। हाँ शफकत को इधर ही छोड़ जाते हैं क्योंकि इनका तो खाली मुंह ही 50 किलो का है। मुमताज, ओ रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। चलो 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 चलो। आज वो यहाँ। हाँ यहाँ से ये मिल गया। आज वो
ये दरवाजा है यहाँ। किचन का रास्ता है। ये रखो पहले, भारी है। अरे मोमो, लैट्रिन से चूहे आते हैं भाई, हम किचन के रास्ते आए हैं। वैसे माशाल्लाह ये भी लोकेशन अच्छी है भाई। जी सिर्फ आप ही की कमी थी मुस्तकीम, और वो हमने पूरी कर दी। मेरा ख्याल है बाकी की बातें आराम करने के बाद करते हैं। जानू चलो सामान कमरे में लेके चलो। और केड़ा कमरा? तुम लोग इस कार में नहीं रह सकते। हाँ क्यों, हमने तुझे वो दिए हैं जो जी। वो क्या? वो जो हम हमेशा ही देते हैं। धोखा? हाँ, हर महीने हमने तुझे धोखा दिया है ना। धोखा नहीं माँ जी, किराया। किराया दिया है हमने। ते किराया दिया ते केड़ा एहसान की है, मेरे महल जैसे घर में रहे भी तो हो ना। चलो निकलो सारे नीमे होके इधर से निकलो। ठीक है निकल जाते हैं, बस एक बात याद रखिएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो हम पुलिस को दिखाएंगे और फिर पुलिस लेके आएंगे यार। अरे नबील मियां, बच्चों जैसी बातें शुरू कर दी आपने भाई, कमाल कर रहे हैं। आप यहाँ रहिए जब तक आपका जी चाहता है और जब तक आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए फिर मेरा ख्याल है, चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट, नीचे वाले कमरे में हम हैं, ऊपर ले लो तुम लोग कमरे। क्यों, पहले भी हम ऊपर रहते तो अब ऊपर नहीं रहना हमने, हम नीचे वाले कमरे में रह लेंगे। हाँ भाई, बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। और मैंने कह दिया ना रहना है तो ऊपर वाले कमरे में रहो, वरना निकलो यहाँ से, जबरदस्ती के किराएदार ना हो तो। देखिए मेरा इस वक्त मूड नहीं है लड़ाई का, वरना करारा जवाब देते महमूद साहब। अच्छा भाई ऊपर चलते हैं, कमरे भी देख लेते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं। चलो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पहुंचे कैसे इधर तक, इनको पता कैसे चला हम इधर है। बेगम हो सकता है ये सूंघते सूंघते आ गए हो, हमारे जराबे हैं। क्या नबील, ये कमरा मुझे छोटा लग रहा है, मेरा ख्याल है ये कमरा बड़ा है। मोमो हम ये वाला कमरा लेंगे, इसका वॉशरूम भी बड़ा होगा। क्यों, आपने वॉशरूम में सोना है? ये जब मुझसे नाराज हो जाते हैं ना तो अक्सर ये लैट्रिन में जाके सो जाते होते हैं, साबन का तकिया बना के। मुमताज। क्या मुमताज भाई, ये कमरा हम लेंगे। जब मैं रास्ता ढूंढ रहा था अंदर आने का तो मैंने चेक किया था जानू, इस कमरे की बालकनी भी है, वहां से मुझे ताजा हवा आई। तुमने ताजा हवा खानी है या पड़ोस में टांक झांक करनी है? नबील ये क्या सुन रही हूँ मैं? जानू शक कर रहे हैं मुझ पे यार, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर झूठा। तुम्हारे पापा की कसम। पापा की कसम ना खाना, महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम। तूने बेशक जिसकी भी कसम खानी हो खा ले पुत्र, पर ये वाला कमरा हमने लेना है। नहीं माजी प्लीज, आप भी इस उड़ने वाले सांप की हाँ में हाँ मिला रही हैं। वकील, अगर तूने मुझे ये वाला कमरा ना ना दिया तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। डन हो गया माजी, डन। हाँ? ओ माजी, ओ माजी, ओ माजी। उड़ने वाली या रेंगने वाली, कुछ तो बताएं। कोई पुत्र उसके दो वो हैं। वो क्या, पर नहीं, पर नहीं वो, दो दो ज़बानें थी माँ जी। चुप करो यार, दो ज़बानें किसकी होती हैं? ओहो नबील तुम जाकर देखो ना क्या है अंदर यार। जानू जानू मेरी आंखों को चला गया यार, मुझे तो साफ दिखाई नहीं दे रहा जानू। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए कि हम तुझसे ज्यादा अच्छा चिल्ला सकते हैं जमीला। खूबसूरत
चला रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर जिन देख लिया है। ओ जानू महमूद साहब के होते हुए तुम्हें किसी जिन से डरने की क्या जरूरत है यार। मेरा ख्याल है जानू तुम्हारा वहम है। अभी नबील अंदर जाएगा और दो मिनट में जिन को यूं सीधा कर देगा। क्यों नबील? क्या हुआ? डर गए ना? रोज उठ के आपका मुंह देखता हूँ, कभी मैं डरा हूँ? मेरा शेर पुत्र, जाओ जाके गुद्दी के नीचे दो चपेड़े लगा और भगा दे इसको उधर से। ओके माजी, आए महमूद साहब। अरे वो जिन की बात कर रही है। महमूद साहब आप किसी जिन से काम है यार? अरे वो जिन जो अंदर कमरे में है। अच्छा अच्छा, मैं अभी गया और अभी हम नहीं रह सकते। अच्छा, हम अन्य किराएदार ढूंढ लेंगे। जल्द इसके कहने का मतलब है कि हम ऊपर नहीं रह सकते, नीचे वाले कमरे में रहेंगे। नीचे तो सिर्फ एक ही कमरा बचा है। ठीक है भी, ठीक है, हम चारों एक ही कमरे में रह लेंगे। हाँ बेशक, चार गुना किराया बढ़ा दे तू। सच? अरे भाई चार गुना किराया देगा कौन? तेरा पापा और कौन? हरगिज नहीं। ओए तो ऊपर जाओ ना, इधर क्यों रोना डालती है? पहले मेरे सिर में बड़ी पीड़ हो रही है। ओए ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर तो जिन है। ओए कोई जिन में नहीं है, जरूर तुम लोगों की कोई चाल है ये। अच्छा आपको नहीं लग रहा ना, तो खुद जाए जाकर तसल्ली करें। अभी पता चल जाएगा मैं कोई डरती हूँ। चल मुस्तकीम, जाके ऊपर जरा देख क्या कोई जिन शिन तो नहीं है। अच्छा आप जिन को जिन से लड़ाना चाह रही हैं? जो जी बेगम, दिल कुछ कुछ घबरा रहा है। छेती जा, क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? जो हुक्म आपका। हाँ जो हुक्म। जा जा ख्याल से जाना। अरे भाई जोजी बेगम, कहाँ भेज दिया हमें? भाई साहब आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं तो कभी सोता ही नहीं। क्यों? मुझे नींद नहीं आती। जी पहले हमें भी नहीं आती थी, लेकिन जब से हमने घर के कामकाज शुरू किए ना, बर्तन कपड़े धोना, झाड़ पोंछ, उसके बाद हम यूं लेटते हैं पता ही नहीं चलता कि कैसे सो गए। आप भी ये काम शुरू कर दीजिए घर के, देखिएगा चट लेटेंगे आप, पट आपको नींद आ जाएगी। ज्यादा फजूल बात मत करो, ये बताओ कौन हो तुम? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। अजीब इत्तेफाक है, हम भी इस घर के मालिक हैं और आज ही आए हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 300 साल से। जी जी बेहतर। क्या आराम से, डराओ तो नहीं। 300 साल से रह रहा हूँ क्योंकि 300 साल पहले मेरे दादा जो थे ना, वो बरकत के दरख्त पे रहते थे। फिर उनको मेरी दादी जी से मोहब्बत हो गई जो कि इस घर में रहती थी। फिर वो शादी के बाद यहाँ आकर घर दामाद बन गए। पूरे 20 अफराद हैं हम। कहाँ हैं ये 20 अफराद? नीचे ही रहते हैं भाई। मगर नीचे वाले पोर्शन में तो हम रह रहे हैं। अरे बेवकूफ, मैं जमीन के नीचे की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाकई जिन है। आज पता चला कि ये हमें इतना सस्ता घर कैसे मिल गया। 300 साल से आबाद है ये जिन फैमिली, कोई मिल मिला के 20-25 जिन होंगे। अरे भाई कितना शोर मचाते हो तुम लोग, हम सारे मिलकर इतना शोर नहीं मचाते जितना तुम 6 लोग मचा रहे हो। भाई मेरे बच्चे जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, जिंदा निकल जाते हैं बंदे को। अरे भाई जब एक ही जगह पे रहना है तो मिलजुल के रह लेते हैं ना, और वैसे भी तुम लोग शरीफ लग रहे हो मुझे। पर ये कार तो मैंने खरीद लिया आपने। तो क्या हुआ, तुमसे पहले कई और लोगों ने भी खरीदा था, फिर बेचारे डर के भाग गए, और जो नहीं भागे वो स्टोर में है। आपने उन लोगों को स्टोर में बंद किया हुआ? नहीं, स्टोर में तो अब सिर्फ उनकी हड्डियां हैं। क्या? और हाँ, तुम लोग भी स्टोर की तरफ मत जाना,
और ऊपर वाले बेडरूम में भी मत जाना, वहां मेरी 8 बीवियां रहती हैं, अगर कोई गया तो उसकी हड्डियां भी स्टोर में डालनी पड़ेंगी। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जैसा आपने कहा वही होना। ये हुई ना बात, अब शाबाश जाओ, जाकर चाय और नाश्ते के लिए 8 पराठे बना कर लाओ। लेकिन ये तो इंसानों वाला खाना है। हाँ तो बरसों से इंसानों में रह रहा हूँ तो इंसानों वाला नाश्ता खाऊंगा ना, अब जाओ जाके बना कर लाओ। जानू जाओ ना, चाय लेके आओ। नबील चाय तो तुम अच्छी बनाते हो और पराठे मुस्तकीम अच्छे बनाते हैं। अरे लड़ना बंद करो, ऐसा करो मर्द हजरात जाकर चाय और पराठे बनाएं और सारी खवातीन मेरे साथ लॉन में चले, जरूरी बात करनी है। चले माँ जी चले। जानू कुछ भी हो मुझे ना आवाज देना। यार मैं गुस्सा एक कर दिया क्या? मैं तो कहता हूँ इसके पराठों में जहर मिला देते। नबील वो जिन है यार, वो जहर से नहीं मरेगा। पढ़े को भूखा लगे ना यार। भाई शुक्र करें कि वो पराठे खा रहा है, हमें नहीं खा रहा वो। हाँ शुक्र है शुक्र है। तो फिर आइए किचन में, किचन में चलो नाश्ता बना दे। आइए प्लीज आइए। तुम तीनों खवातीन कान खोल के सुन लो, जिनों के खानदान के साथ रहना आसान नहीं होता। जिन बहन आप कहीं और नहीं शिफ्ट हो सकते? हाँ जी, और बड़ी मुश्किल से ये लोकेशन फाइनल हुई है। हाँ ना, आप तो कहीं भी रह सकते हैं ना जिन भाई। देखो अगर मैं तुम पे तरस खा के यहाँ से चला भी जाऊँ ना, तब भी मेरी 8 बीवियां और उनके 16 बच्चे तो यहीं रहेंगे ना, जो अभी कोका गए हुए अपने मैं के। उनके आने से पहले तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तो फिर भी औरतों पे रहम खा लेता हूँ, वो रहम नहीं खाती औरतें खा जाती है। जिन भाई हमें ना निकाल लेना यहाँ से, इन लोगों ने तो वैसे ही लौट चले जाना है, हम सड़क पे आ जाएंगे। माँ जिन भाई तू ऐसा करना कि ये मेरी बहू फरजाना को खा ले मसाला लगा। माँ जी? हाँ, इसकी माँ जी और इसके अब्बे सब को खा ले, पर हमें यहाँ रहने दे। मैं औरतों को नहीं खाता, लेकिन तुम तीनों के खावंदों को खा जाऊंगा। हाँ भाई, इतनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में, तुम तीनों अंदर जाओ और उन तीनों को बाहर भेजो। ओके। ओहो, आप लोग नाश्ते में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, जिनको गुस्सा आ रहा है। अरे जानू अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैंने जिन को खा जाना है। जाए मैं गुस्सा भी यार, उसे नाश्ता दे गया है यार, मैंने जिन के मुंह नहीं लग रहा। मैं क्यों जाऊं भाई, चाय देने जा रहा है तो मुस्तकीम साहब को भेजो, आप जाए ना चाय देने के लिए और साथ में को अपनी ताजा गजल के कुछ इशार भी सुना दीजिएगा, हो सकता है जिन बोर हो के जल्दी चला जाए। हाँ। अरे जाने को तो हम चले जाते, लेकिन अचानक हमें याद आया कि हमें छत पे जाके कपड़े सुखाने हैं, आप जाए ना मैमू साहब। मैं क्यों जाऊं भाई, तो तुम चले जाओ ना। चुप, तुम तीनों ना साथ जाओ, उस जिन को इतना गुस्सा आ रहा है, उसने खड़े खड़े तुम लोगों को खा जाना है और हमने खड़े खड़े तीनों ने वो हो जाना है। ओ क्या भाई बीवा। हाँ, और उसने साफ साफ कह दिया हम जनानियों को तो कुछ नहीं कहेगा, हमारे शौहरों को खाएगा, और उसने इस कार से हमें जाने का भी कह दिया, क्योंकि उसकी बोटियां जो है ना वो कोकाक से वापस आ रही हैं कल। चले यार मामू साहब, सब मिलके चलते हैं यार। चले यार, आ जाओ जाओ जाओ, उठा ले उठा ले, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, आइए 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 आइए। चलनी असली भी कुछ खाइए, मेरे तो टिट च काली पै रही। हां तो आपने ग्रोसरीज की थी क्या? हां हां, फ्रिज में से निकालो ना कुछ, अंडे ही बना लेते हैं। जिन बाबा आपका नाश्ता। किसने बनाई है ये चाय? क्यों, जिसने ये चाय बनाई है आप उसे इनाम देंगे? नहीं, लेकिन अगर चाय अच्छी ना हुई तो उसके दोनों बाजू उखाड़ के फेंक दूंगा। जिन बाबा मैं तो सिर्फ बाहर लेकर आया हूँ, चाय मुस्तकीम साहब ने बनाई है। जी हमने तो सिर्फ पानी रखा था, उसमें पत्ती और चीनी नबील मियां ने डाली है। लेकिन उसमें दूध तो महमूद साहब ने डाला है। चुप करो तुम तीनों, अगर चाय अच्छी ना हुई तो तुम तीनों का एक एक बाजू उखाड़ के फेंकूंगा, सीधा या उल्टा ये तुम्हारी चॉइस। गए गए, चाय अच्छी बनाई है। बच गए बच गए। जिन साहब चाय मुकम्मल हमने बनाई है। अच्छा, और क्या क्या बना लेते हो अंकल जी? आप जो हुक्म करेंगे हम बनाकर पेश कर देंगे, वैसे हमारे यहाँ तो सादा गिजा बनती है, जनी दाल और सब्जी। मैं जिन हूँ जिन,
या तो इंसानों को खाता हूँ या फिर बकरा और गाय। भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम 3 टाइम मुझे गोश्त खिलाओगे तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हें छोड़ने के बारे में। हम गरीब क्या खिलाएंगे आपको? हाँ, अगर आप अपनी पावर इस्तेमाल करके 3-4 बकरे रोज ले आए तो हम आपको गोश्त खिला सकते हैं। भुना हुआ? खामोश, मैं जिन हूँ जिन, कोई बकरा चोर नहीं हूँ और चोरी के बकरे का गोश्त मैं नहीं खाता, इसलिए बकरा तुम तीनों को खरीद के लाना पड़ेगा। चलो आप जाओ। अरे यार, नाश्ता तो रख के जाओ। मूसा, ये जिना ऐसा ऐसा फ्री हो रहा है ना? है ना? आए, ले लीजिए, ले लीजिए, लीजिए। आजू आजू, हम गोश्त लेके आए। यार, आप लोगों ने एक बात नोट की है उस जिन के बारे में? हाँ नारीन, मैंने नोट की है। उसकी ना आंखें झील सी गहरी, बड़ी प्यारी है और पलकें भी ये लंबी लंबी हैं। अरे मोमो, वो जिन है, जिन। हाँ तो क्या हुआ, जिन का दिल नहीं होता? जिन खूबसूरत हो सकता है ना? ओ माँ जी, आप वैसे भी तो एक जिन के साथ ही रह रही हैं यार। ओ यार, आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। हम में से किसी ने भी उस जिन को गायब होते नहीं देखा। जानू, अगर वो गायब हो जाएगा तो हम देखेंगे कैसे यार? मेरा मतलब है, वो हमारे सामने गायब ही नहीं हुआ अब तक, जो जिन करते हैं। और खाना पीना भी इंसानों की तरह नॉर्मल है। खाना पीना तो उसका जिन वाला ही है। अभी थोड़ी देर पहले तो पूरी बकरे की लत खा गया। अरे बेगम, आप समझी नहीं, हमने उसमें जिनों वाली कोई बात नहीं देखी। यानी कि उसने कोई अनहोनी बात नहीं की अभी तक। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें इस जिन को चेक करना होगा। ले, चेक करने की क्या जरूरत है? जितना वो खा चुका है ना, उसका पेट जरूर खराब हुआ होगा। माँ जी, चेक ये करना है कि वो जिन है भी के नहीं। पर कीवे करेंगे चेक? बहुत सिंपल है, आप लोग बस मेरी बात ना गौर से सुने। अरे वाह वाह जानू, वाह वाह, पहली बार जिंदगी में तुमने साबित किया है कि तुम एक अकलमंद आदमी की बीवी हो। Shut up Nabeel. It's okay जानू, as you wish. अच्छा, फिर रक्षंदा पुप्पो ने क्या कहा? नहीं नहीं सच्ची, अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात। मसला क्या है तुम लोगों के साथ? फिर मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। कोकाफ में एक जरूरी कॉल चल रही थी मेरी। लेकिन आपके हाथ में तो फोन ही नहीं है। अबे ओ जिन्नुमा इंसान, मैं मुझसे मेरा ख्याल है पहचान गया। ज्यादा फालतू बातें मत करो, मेरा लेटेस्ट स्मार्टफोन है, चोरी के डर से गायब किया हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आएगा। चले, फोन तो गायब हुआ हुआ है, हमें समझ आ गई। हम सब की एक्चुअली बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमें एक दफा गायब हो गए तो खाए ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हो जाता हूँ गायब। वाह वाह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप सचमुच के जिन हैं। ओए तबस्सुम, तू ऐवें कह रही थी झूठी मकार कहीं की कि ये सची मुची का जिन नहीं है। कौन है ये बदतमीज तबस्सुम, मेरे सामने लाओ। जिन भाई, ये तबस्सुम, इसको खा जाए छेती से। जिन भाई, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, आप जरा गायब होकर दिखाए ना प्लीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सब अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी गायब होकर दिखाता हूँ, और जब मैं कहूँ 1-2-3 तब अपनी आंखें खोलना। ठीक है ठीक है, बंद सब बंद। हाँ बंद बंद। अरे वाह वाह वाह, ये तो वाकई गायब हो गया। अरे कोई गायब नहीं हुआ है, मैं अपनी आधी आंख से देख रहा था, यहाँ से पैदल चल के गया है वो अंदर। मेरा ख्याल है खूबसूरत का शक बिल्कुल ठीक है, ये कोई जिन विन नहीं है। आओ अंदर चलकर इसे देखते हैं। झूठ बोल रहा है। हाँ भाई, अब तुम सब ने मुझे देख लिया गायब होते हुए, अब जाओ जाकर रात के खाने की तैयारी कराओ। कम से कम 3-4 डिशेस बनानी है मेरे लिए मिलकर। वो तो हम बना लेंगे, लेकिन पहले आप हमारे लिए कुछ करें। मैं क्या करूँ, वही जो जिन करता है। अरे नहीं नहीं, तुम शरीफ लोग हो, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। हम खाने का नहीं, एक एक ख्वाहिश पूरी करने का कह रहे हैं। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुझे 10-10 तोले की 6 चूड़ियां ला दे जादू से। अब मेरी भी सेम टू सेम यही ख्वाहिश है, बस मेरी चूड़ियां मुमताज से भारी होनी चाहिए। देखे जिन बाबा, मेरा मुंह थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पहली ख्वाहिश मेरी पूरी होनी चाहिए। और चुप करो, मैंने तुम में से किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। जाओ यहाँ से। जाओगी तो तुम, क्योंकि तुम जिन नहीं हो।
नबील महमूद साहब पकड़े से। खबरदार जो मेरे करीब आया दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। और ये कोई जाली पिस्तौल नहीं है, असली गोली लगेगी सबको। अफजल टुंडे पकड़ा गया ना आखिर तू? अफजल टुंडा? हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, 2 साल से फरार था। अब पता चला कि ये जिन बनकर चकवा दे रहा है पुलिस को। वो तो अच्छा हुआ कि खूबसूरत का फोन आ गया मुझे, और मैं फौरन आ गया और पकड़ लिया इसे। एक सेकंड भट साहब, एक सेकंड, इसका जो इस एपिसोड का बनता है वो तो देने देना। नबील भाई कैश दूंगा, कैश, हार्ड कैश मेरी जान। आइए चल यार, चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते